अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर दें, पाकिस्तान का सिक्वाड अनाउंस कर दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में और टेस्ट में खेलेगा। जी आप सही सुन रहे हैं, दोनों का सिक्वाड अनाउंस हो चुका है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही बात करेंगे कौन सा सिक्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में और कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं पाकिस्तान टेस्ट में और T20 में। लेकिन उससे पहले हसन स्पोर्ट को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाह ने कहा T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। दोनों टीमों में नौजवान खिलाड़ी शामिल किए हैं ताकि नए खिलाड़ियों को आजमाया जा सके और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो सके। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए सरप्राइज पैकेज रखा है, मिसबाह ने कहा। हवाई शहर टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर जारहाना क्रिकेट खेले और हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म करे। जाकर कप्तान चेयरमैन और तमाम लोगों ने बैठ कर बाबर आजम कप्तान बनाया था और तमाम प्लानिंग कर ली है। अब बात करते हैं पाकिस्तान का कौन सा सिक्वाड T20 में खेलेगा। T20 इतिहास बाबर आजम करेंगे और दिगर खिलाड़ियों में आसिफ अली, फहर जमान, हारिस सुहेल, इफ्तार अहमद, इमाल वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अमन, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद अरफान, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर मूसा खान, शदाब खान, उस्मान कादिर और वहाब व्याज शामिल हैं। ये रहा T20 का स्क्वाड जो पाकिस्तान के बहुत सारे यंग प्लेयर पाकिस्तान के कोच मिसबाह उल हक ने, चीफ सेलेक्टर ने पेश किए हैं। टेस्ट की क्यादत अजहर अली करेंगे और दिगर खिलाड़ियों में आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, खारिस सुहेल, इमाम उल हक, इमरान हाथ सीनियर, इफ्तार अहमद, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रजवान, विकेट कीपर मूसा खान, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और यासिर शाह शामिल हैं। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जो दोनों खेलेंगे T20 का और टेस्ट का, काफ़ी मोटी स्क्वाड है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगा और दोनों मैच पाकिस्तान सीरीज इंशाल्लाह लाजमी जीतेगा। क्या आपको ये स्क्वाड अच्छा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।